अरे मोदी जी, साइकिल को थोड़ा तेज चलाओ, थोड़ा हल्के हल्के चला रहे हो तुम। क्या गजब की साइकिल चलाती हो तुम, मजा आ जाता है तुम्हारे साथ पीछे बैठ के साइकिल पर। योगी जी, तुम्हें तो मजा आ जाता है, मेरी तो सांस फूलने लगती है, हाँफ ही फूल गई साइकिल चलाते चलाते। तुम तो आराम से पीछे बैठे रहते हो और आगे राहुल बैठा रहता है। मुझसे पूछो कितनी मेहनत से चलती है ये साइकिल, अब तुम बैठते भी सब लोग हो एक साथ। अरे एक एक करके घूम लिया करो मेरी साइकिल पर। अरे कैसी बात करते हो मोदी जी, मजा तो तभी आता है जब मिल बैठती है तीनों यार, मैं तुम और योगी जी। वैसे मोदी जी, इस टाइम तीनों लोग एक साथ मत बैठा करो साइकिल पर, ट्रैफिक की चेकिंग बहुत हो रही है आजकल, कहीं अपनी भी साइकिल का कभी कोई चालान ना काट दे। अरे राहुल, क्या सुबह शाम नाश्ते में नीम खाती हो जो इतनी कड़वी बातें करती हो? तुमने चालान का नाम लिया, वो देखो चार चार पुलिस वाले अपनी साइकिल की तरफ पड़े चले आ रहे हैं। सब इंस्पेक्टर अखिलेश, इनकी साइकिल रुकवाओ, रुकवाओ साइकिल को, ये तीन तीन लोग एक साइकिल पर फिर रहे हैं। रोको भाई रोको, अपनी साइकिल को रोको, यहीं पर रोक दो बिल्कुल। जी बोलिए, आप सब लोग इकट्ठे होके कैसे फिर रहे हैं, कोई बात हो गई? अरे भाई बात हो गई का क्या मतलब, एक साइकिल पर तीन तीन लोग फिर रहे हो, साइकिल को बस बना रखा है तुमने, ओवरलोड पे तुम्हारा चालान कटेगा। अरे इंस्पेक्टर अमित शाह जी, ये सब इंस्पेक्टर अखिलेश जी क्या कह रहे हैं भाई? मोटरसाइकिल पे तीन सवारी होती है तो ओवरलोड का चालान कटता है, ये तो साइकिल है, साइकिल पे काय का चालान? अरे भाई मोदी जी, तुम्हारे मेरे ताल्लुकात अच्छे हैं, इसीलिए मैं तुम्हें बता देता हूँ, आज से साइकिल पर भी चालान कट रहा है। साइकिल पर सिर्फ दो ही सवारी बैठ सकती है, तीसरी होगी तो चालान कटेगा। और अमित शाह जी, इन मोदी जी को ये भी बता दो, अब थोड़े दिन बाद साइकिल पर हेलमेट का भी नियम चालू होने वाला है, बिना हेलमेट के साइकिल नहीं चला सकते। अरे लालू जी, अभी से क्यों डरा रहे हो पब्लिक को, साइकिल पर हेलमेट का नियम आने में अभी थोड़ा टाइम लगेगा, सरकार सोच रही है, तुम तो अभी से डराने लगे आम जनता को। अमित शाह जी, इस बार छोड़ दीजिए, अब हमें नियम का पता चल गया, हम सवारी अब दो ही लेके चला करेंगे साइकिल पे। चलो मोदी जी, मेरे तुम्हारे बहुत पुराने ताल्लुकात हैं, इसीलिए मैं आज तो छोड़ रहा हूँ, आगे अगर तीन सवारी दिख गई मुझे साइकिल पर तो मैं चालान काट दूंगा। भाई लोगों, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। अरे भाई आ जाओ, तमाशा देख रहे हो खड़े खड़े, आ जाओ मेरे पास में। अरे मेरी स्कूटर इस गटर के गड्ढे में चली गई और मेरा पैर भी फंस गया। अरे निकाल दो मुझे इस गड्ढे में से, निकाल दो। अरे मैं स्कूटर के नीचे दबा हुआ हूँ, आ जाओ। अरे भाई बैठे बैठे तमाशा देख रहे हो, निकाल दो। अरे इंस्पेक्टर योगी जी आ गए, योगी इंस्पेक्टर जी, ये देखिए सब लोग तमाशा देख रहे हैं, यहाँ पर बैठे बैठे मेरी स्कूटर देखो गटर के गड्ढे में चली गई और मेरा पैर भी फंस गया स्कूटर के नीचे। अरे मोदी जी, हम तो आपसे हो गए, बिल्कुल धन हो गए। ये बताओ, सामने इतना बड़ा गटर का गड्ढा नहीं दिखा तुम्हें? तुमने स्कूटर अपनी इस गड्ढे में ठूंस दी और साथ में अपना पैर भी दबा लिया इस गड्ढे के नीचे। अखिलेश, मुझे तुम्हारी बात ये बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी, तुम बैठे बैठे तमाशा देख रहे हो और मोदी जी स्कूटर लेके गड्ढे में घुस गए, तुम निकाल नहीं सकते हो बिल्कुल भी, बैठे बैठे यहाँ पर तमाशा देख रहे हो। पहली बात ये बताओ, तुम इस मोहल्ले के रहने वाले हो, इस गटर के ऊपर का ढक्कन कहाँ गया, जो लोहे का ढक्कन होता है वो कहाँ गया? अगर मुझे ये पता चल गया कि ये ढक्कन किसने हटाया है, मैं उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करूंगा। अरे इंस्पेक्टर योगी जी, हम भी क्या बताएं, इस गटर के ढक्कन को कोई इसमें किया रात में चुरा के ले गया, पता नहीं कितने लोग इस गटर के ढक्कन ना होने की वजह से गिरते रहते हैं। मेरी आपसे विनती है, इस गटर के ढक्कन के चुराने वाले को जल्द से जल्द पकड़ के ढक्कन लगवा दो ऊपर, नहीं तो कितने लोग गिरते रहेंगे ऐसी जैसे आज मोदी जी गिर गए। अरे भाई इधर उधर की बातें कर रहे हो अखिलेश, मैं ये कह रहा हूँ चलो गटर के ढक्कन को चुराने वाले को तो मैं पकड़ लूंगा, तुम ये बताओ बेचारे मोदी जी गड्ढे में गिरे हुए हैं, इन्हें निकाल क्यों नहीं रहे थे? चलो इधर आओ, मोदी जी को गड्ढे में से निकलवाओ। अरे भाई योगी इंस्पेक्टर जी, मैं इसलिए नहीं निकाल रहा था मोदी जी को, मैं देखना चाह रहा था ये अपने आप इस गड्ढे से निकल पाएंगे कि नहीं निकल पाएंगे, मैं इनकी आत्म क्षमता देख रहा था, मैं सोच रहा था कहीं ये अकेले फंस जाए कहीं पे तो अपने आप निकल पाएंगे कि नहीं निकल पाएंगे, आदमी को अपना काम अपने आप करना चाहिए। कितनी देर से मैं फंसा हुआ हूँ, मेरा पैर दर्द कर गया, आओ जल्दी निकालो मुझे। भाई लोगों, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।